हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से मैं जो मेरा ये चैनल है सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया, तो उस पर मैं डालूंगी ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, खासकर साड़ी ब्लॉग डालूंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना फ्रेंड। और आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, बताना कैसी लग रही है। तो चलिए हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले मैं हो जाती हूँ तैयार। बस अभी नहा कर आई थी तो दो एक रील भी बनाई मैंने, इंस्टाग्राम पर डालती हूँ रील, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप लोग जाइएगा और उस पर अगर हमारी रील अच्छी लगती है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को ऑन करना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पहुँच जाएगी। तो आज मैं सुन से बोल रही थी कि कहीं मुझे घुमाने के लिए ले जाना, मुझे बाहर बहुत दिन से मैंने रील नहीं बनाई है तो रील बनाऊंगी, तो बोल रहे थे ठीक है टाइम मिलेगा तो ठीक है, क्योंकि आज संडे है तो संडे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना फर्स्ट ब्लॉग। ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ किचन में, खाना पकाना, अभी खाना पकाना बाकी है हमारा। तो मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं सोच रही थी कुछ नया बनाऊँ, कुछ नए तरीके की सब्जी बनाऊँ, वही आलू गोभी मटर वटर खा पी के मैं बोर हो गई थी। तो हमने लिया थोड़ा सा बेसन और बेसन में हल्का हल्का इस तरीके से पानी ऐड करेंगे, एकदम हमको कूदना नहीं है, लेकिन थोड़ा दरदर रंग जैसे गोटी जैसे हो जाता है ना, छोटे छोटे गोटी, बस वैसा हमको इसको करना है। ये देख लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, बस बिल्कुल वैसा ही करना है। ये देख लीजिए इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, और रोज़ रोज़ हम लोग आलू खा के बोर भी हो जाते हैं, इसलिए मैं नई तरीके की सब्ज़ी लेकर आई हूँ। आप लोग ज़रूर इसको टेस्ट करना, ज़रूर ट्राई करके अपने हस्बैंड लोगों को, अपने घर के नए लोगों को बना के जरूर खिलाना, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और वो इम्प्रेस भी हो जाएंगे आपके खाने से। तो चलिए गैस को स्टार्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं कढ़ाई में डालूँगी थोड़ी सी तेल। सुबह में बनाने वाली थी नमकीन चावल, लेकिन बनाए नहीं, उसके लिए प्याज व्याज मिर्ची और टमाटर सारी चीज़ें कटी हुई रखी थी, तो वो प्याज बड़ी बड़ी काटी थी हमने चावल के हिसाब से, लेकिन चावल अब बन नहीं रहे ना, तो चावल के लिए चावल वाली प्याज को ही मैं छोटा बारीक बारीक कट कर लूँगी। बाकी टमाटर मिर्ची तो सही कटे हैं। और ये देख लीजिए जो हमने बनाया था ना बेसन को, उसको थोड़ा हमने तेल डाल के फ्राई करना है 5 मिनट तक, जिससे कि जब हम उसको सब्जी में डालें तो वो खुले ना, वैसा का वैसा ही रहे। तो ये देख लीजिए इस तरीके से उसको साथ में चलाते भी चलेंगे, इधर हमारी प्याज है ना उसको भी कट करते चलेंगे, ये देख लीजिए इस तरीके से। और मुझे तो ये वाली सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को तो पता नहीं, बहुत लोगों को पता होगा कि ये सब्ज़ी कैसे बनाते, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। चलिए तो मैंने निकाल लिया, 5 मिनट हो चुकी थी, अब थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, ठीक है। जैसे अब तो जैसे सब्ज़ी हम छौंकते हैं ना, वैसे ही हमको सब्ज़ी छौंकनी है। तो चलिए अब मैं पहले डालूंगी थोड़ा जीरा और उसके बाद जो हमने प्याज व्याज लहसुन मतलब जो भी चीज़ें कट करके रखी थी ना, वो सारी चीज़ें एक साथ ही भूनने के लिए डाल दूंगी, जिससे कि इनको हमें अच्छे से भूनना है, अच्छे से पकाना है। सब्ज़ी में हमको प्याज मतलब कच्ची कच्ची नहीं दिखनी चाहिए। तो चलिए इसको अच्छे से हम चलाते हैं, इसको पकाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अच्छे से मसाला भुन चुका था, उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने से क्या होता है कि हमारी जो मसाले वो ढलते नहीं है, तो हमने मसाले में कुछ नहीं, डेली के जो मसाले डालते वही डाला है, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, बस डेली में मैं यही डालती हूँ। थोड़ा सा उसको चलाया, उसके बाद हमने जो बेसन का डाला है ना, बनाया था ना, वो भी इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी थोड़ा हमको ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि बेसन एकदम थिक सा हो जाता है पकने के बाद, थोड़ा फूल जाता है, तो पानी हमको थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। नमक ऐड कर देती हूँ और उसके बाद हमको बेसन की रोटी मतलब बेसन और गेहूँ के आटे की रोटी मिक्स करके बनाना है। उससे क्या होता है कि रोटी बहुत फ़ायदेमंद रहती है, अगर आप लोग बेसन की रोटी खाते हो ना, बेसन और गेहूं की मिक्स करके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो बेसन इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं, और आटा मैंने ले लिया है तो इसको छान लेती हूँ मैं, छानते समय ही मिक्स कर लेती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी अब की बार आटा पिसवाऊँगी ना, तो साथ में ही क्या बोलते हैं उसको, साथ में ही चने को भी गेहूँ के साथ पिसवा लूँगी, अभी पिसवाया नहीं था इसलिए मैं बेसन लेके आई थी। तो आधा किलो बेसन है, जब भी मैं आटा लगाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा उसमें डाल लेती हूँ बेसन आटे में। तो सब्जी हमारी पक रही है, तब तक हम लगा लेते हैं अपना आटा। तो आटा हमको थोड़ा ही लगाना है, बस 8 से 10 रोटी बनानी, ज़्यादा नहीं बनानी। ये देख लीजिए क्या बेसन डाल के आटा कुछ अजीब सा ही हो जाता है, बहुत एकदम टाइट टाइट सा हो जाता है,
और आप लोग बताना आप लोग के यहाँ क्या हो रहा है, गर्मी वर्मी पड़ रही है अभी कि नहीं पड़ रही है? हमारे यहाँ तो अभी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही, कभी कभी फैन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी पड़ना लग जाती है, कभी कभी नहीं लगती है। तो ये अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फ़ैन की ज़रूरत नहीं है मुझे और गर्मी नहीं लग रही है, जबकि मैं खाना बना के आई हूँ फिर भी। तो चलिए फटाफट से मेरा आटा लग के रेडी हो गया, ज़्यादा पानी नहीं लगाऊंगी वरना इसमें बेसन है तो आटा लग मतलब रोटी बिलेगी नहीं। तो मैं अपना ऐसे ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बस बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो आप लोग बताना कैसा लगता है। तो इधर मेरी सब्जी भी लगभग जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली थी कि सब्जी हमारी थिक होती जाएगी, तो बस वैसे ही थिक होती जा रही सब्जी हमारी। तो अब मैं बनाऊंगी रोटियां फटाफट से, तो बस आटे को हम इसी तरीके से रखेंगे। तो और आप लोग बताना कि और वीडियो हम इस तरीके के डालें कि नहीं डालें, अगर आप नहीं चाहोगे कि नहीं डालें तो फिर मैं नहीं डालूँगी, ठीक है? आपको जो भी चाहिए आप बता देना, ठीक है? तो चलिए फटाफट से अब हम रोटियाँ बनाएँगे वरना लेट हो जाएगा। और आज संडे है तो अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, मेरे हस्बैंड आएंगे करीबन 2-2:30 बजे करीबन आते हैं, वो संडे के दिन कहते हैं कि दोपहर के बाद की रजा रहती है, लेकिन दोपहर बाद की रजा क्या 3 बज जाते कभी 4 बज जाते ऐसा होता है। तो मैंने रोटी बनाना भी स्टार्ट लेट ही किया था, बज रहे थे 2, उसके बाद ही मैंने रोटी बनाई है क्योंकि मुझे पता था। तो छोटी वाली गैस पर मैं रख देती हूँ अपनी सब्जी बनने के लिए, और बड़ी वाली गैस पे मैं तवा रख के फटाफट से रोटी बनाने स्टार्ट कर देती हूँ। और रोटी वैसे तो मैंने काम बहुत सारा किया था लेकिन ब्लॉगिंग थोड़ी सी की थी, सोचा एक वीडियो डाल के देखती हूँ, आप लोग पसंद करते हो तो और भी डालेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो ये देख लीजिए रोटी रात की है नहीं, एक भी ख़त्म होगी, एक थी वो मैंने खा ली थी क्योंकि सुबह आज नाश्ते में कुछ बनाया नहीं था, ये ऐसे ही चले गए जल्दी जल्दी के कारण। तो रात को मैंने मतलब सुबह में कुछ नाश्ता वास्ता बनाया नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने प्याज व्याज कट करके रखी थी, बोले लेट हो रहा है तो फिर मैंने बनाया नहीं। तो लोइयाँ करके मैं पहले रख लेती हूँ फिर बनाऊँगी रोटियाँ, ठीक है? तो ये देख लीजिए, तो फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। और आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।